जय मसीह की सबको। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज आपके बीच में मुझे लाया है और एक मौका दिया है कि आपके बीच में आके मेरी गवाही बताऊँ। हालांकि मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, मेरी गवाही बहुत कम लोगों को मैं शेयर करता हूँ, बट एक्चुअली जब से मार्क भाई के साथ जाता हूँ तो कभी एक आध बार मिल जाता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से क्या किया है और आप लोग को बता सकूं कि हम किसकी महिमा करते, एक सच्चे खुदा की महिमा करते हैं। और उसका धन्यवाद देता हूँ कि और पास्टर जी थैंक यू, आपने मुझे एक मौका दिया यहाँ पर। और मैं बहुत ही आशीषित हुआ, जैसे मार्क भाई को बता रहा था कि आपका चर्च बहुत ही ब्लेस्ड है, ऐसा बहुत ही कम देखा है मैंने कि आपके चर्च में इतने सारे लोग आते, वो भी दो सर्विस में। ये बॉम्बे में होती नहीं है इतनी, बट परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा मेरी गवाही की कि मैं आज जो हूँ, जो स्थान पर हूँ, वो परमेश्वर की ग्रेस ऑफ गॉड की परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया है। और जैसे कि आप लोगों कितने लोग को रेड लाइट एरिया पता है, जो बड़े हैं उनको काफ़ी नॉलेज पता होगा कि रेड लाइट एरिया होता क्या है जहाँ पर रहते। तो वहाँ की मेरी पैदाइश है, मेरी मम्मी वहाँ की थी, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ रेड लाइट एरिया में। और वो जो एरिया था सेफ़ नहीं था, स्पेशली वुमेंस लोग के, जो भी लेडीज़ थी। तो वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई और जब मैं 2 साल का करीबन था मेरे पिताजी गुजर गए। तो मुझे इतना क्लियरली पता नहीं कि मेरे पिताजी दिखते कैसे है, उनकी एक फ़ोटो है, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि सिर्फ मेरी फ़ोटो है मेरे पापा की। बट मेरी मम्मी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मेरी मम्मी अकेली थी, उनको घर में 7 लोग को संभालना था, सबका काम, कोई काम नहीं करता था, सिर्फ मेरी मम्मी करती थी। मेरी मम्मी को ऐसे स्टेप लेने पड़े कुछ कुछ जगह पे कि उनको घर चलाने के लिए उन्होंने किया है, जो भी किया है मैं विश्वास करता हूँ। और तो मेरी मम्मी मुझे मेरे गांव भेज दी कि हो नहीं रहा है, एटलीस्ट मेरा बच्चा उधर जाके पढ़ाई करेगा या कुछ तो एजुकेशन करेगा उधर। बट उधर जब मैं गया तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, बट वहाँ पर हुई नहीं। मेरे मामा थे जो अल्कोहलिक थे, जो पीते थे, रोज़ मारते थे। जब भी उनका कुछ होता था तो मुझे उठे सुटे मारते थे और मेरे को कभी 4 बजे उठा देते थे। ये मैं करीबन 5-6 साल का रहेगा। और आप सोच सकते एक बच्चे को ऐसा टॉर्चर करना, बहुत ही वो समय मेरे को पता नहीं था कि क्या होता है, कि प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो रोज़ सुबह कभी मार देते थे, कभी बोलते थे ये कर वो कर। और मुझे मुझे जितना याद है, मैं एक चड्डी पे घूमता था पूरा गांव। और मुझे अभी भी याद है, जब भी मुझे खाना चाहिए होता है तो जितने भी मेरे गांव में जो लेडीज़ लोग थे, जो आंटी लोग थे, उन सभी को मैं माँ बोलता था क्योंकि मेरी मम्मी बॉम्बे में थी। और वो टाइम तक मैं भूल गया था कि मेरी माँ भी है। तो मैं बोलता था उनको माँ, क्योंकि वो लोग मुझे एक रोटी देते थे खाने के लिए कि हाँ ये थोड़ा काम कर लो, हम तुमको खाना दे देंगे। तो उसके चक्कर में मेरी पूरी गांव वाली मेरी मम्मी बन गई थी कि ये बच्चा है। और उन लोग देखते थे कि इसके घर में क्या चल रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा नाना और मेरे मामा मेरे से काफ़ी गुस्सा हो गए और बहुत ही मारने लगे मुझे। तो उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि इसको, तो उस समय उन्होंने बहुत गाली दी कि तेरी माँ तेरे को नहीं चाहती इसलिए तेरे को यहाँ पर छोड़ के गई। और काफ़ी मुझे मारा उन्होंने। और मेरे को इतना याद है कि वहाँ से एक दिन का सफ़र लगता है आने के लिए बॉम्बे में। तो वो पूरे सफ़र में मैंने कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी पिया। और जब पहली बार जब मैं बॉम्बे आया वो टाइम पे, और मेरी मम्मी को देख के मैं बहुत खुश हुआ। मैं अब यकीन नहीं करोगे, मैंने 2 टोप अकेले ने चावल खाया है। मेरी मम्मी बोलती इसके अंदर क्या भूत भूतविता है क्या।
पर मैं सच में खाया है। पर कुछ ऐसे हालात थे मेरी मम्मी के, मैंने जब देखा कि उनको एक बार में काम करना पड़ता था, बियर बार जैसे होते हैं, उन्होंने उधर काम किए मेरे को संभालने के लिए। और बहुत सारी बातें मैंने देखी है मेरी आंखों से मम्मी को करते हुए, जो एक माँ अपने बच्चे को कर सकती है मेरे को बचाने के लिए। मुझे और उस समय मेरे को काफ़ी बीमारी भी हो गई थी, टीबी हो गया था। मेरी मम्मी हर जितने भगवान थे मेरे हिसाब से सबको कवर किया था मेरी मम्मी ने, कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ये हो जाए ना। तो एक दिन ऐसा हो गया, एक सिचुएशन आ गई कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि अरे तुझे एक बहन है, मेरे से बड़ी बहन है मेरी एक। और मुझे उस समय तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरी कोई बड़ी बहन है। और मैं जो रेड लाइट एरिया में एक चर्च हुआ होता है, अभी भी होता है, तो वो चर्च उनका काम है, एक संस्था भी चलाते हैं, उनको एक काम है कि ऐसा ना बच्चों को रेस्क्यू करना, जिधर लड़की है उनको लेके जाके उनको पढ़ाना। तो एक बॉम्बे टीन चैलेंज करके एक संस्था है, तो वो बोले वो संस्था में तेरी बहन है। तो मैं चला गया बिना बताए मेरी मम्मी को। और मेरे को याद है क्लियरली कि मैं चर्च के पीछे खड़ा था और सब आराधना कर रहे थे, और मेरे नज़र में ऐसा था कि जब आप किसी की आराधना कर रहे हैं वो आपके सामने होना जरूरी है, जैसे कोई मूर्ति हो गई, कुछ हो जाए। मैं बोला ये लोग सब पागल हो गए, कोई है नहीं सामने, वो लोग ऐसी नाच रहे। तो बट वहाँ के जो पास्टर है जिसको हम लोग अंकल बोलते, तो वो आए, उन्होंने मुझे देखा, और मुझे अभी भी याद है कि मेरे शर्ट का दो ही बटन था, एक ऊपर था नीचे था, और मेरी जीप नहीं थी, ऐसे ही चला गया था मैं। बट उन्होंने मेरे ऊपर आए, प्रार्थना किए, बोले कि क्या नाम पूछा। मैं बोला मुझे मेरी बहन से मिलना है। तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे लिए प्रे किया और बोला ठीक है चलो तुमको तुम्हारी बहन के पास लेके जाएंगे। और जब मैं पहली बार किस उस संस्था में गया तो देखा कि मेरे लिए खुद का चीज़, मेरे लिए टावेल है, मेरे लिए खुद का बेड है, रोज़ अंडे खाने मिलते, मतलब मेरे को कभी नहीं मिला, मैंने कभी चप्पल नहीं पहने थी मेरी ज़िंदगी में। जब मैं वो संस्था से पहले ऐसे ही घूमता था, मैंने कभी ऐसा अच्छे प्लेट में कभी खाना नहीं खाया, क्योंकि मैंने भी भंगार चुना है, चाइनीज़ की दुकान में काम किया है, प्लेट धोने का काम किया है, वड़ा पाव बेचता था मैं ट्रेन से, कभी कभी वो टमाटर की सॉस होती थी वो मिलती, अभी भी कैचअप बोलते उसको अभी, तो वो कलेक्ट करके मैं घर में लेके जाता था। हम लोग ने मतलब इतना अच्छा खाना कभी मैं खाया नहीं, जो मेरे को एक कब जब मैं मेरी मम्मी के साथ रहता था। तो जब ये सब चीज़ देखा मैं बहुत खुश हो गया। फिर स्लोली स्लोली मुझे पूछा गया कि आप पढ़ाई करोगे क्या, और मेरी इच्छा थी कि पढ़ाई करने के लिए, तो मैं बोला हाँ मुझे करना है। तो उन्होंने मुझे एजुकेशन दिया, मुझे एक क्लास में डाला, मुझे उन्होंने पढ़ाना चालू किया। तो वो टाइम तक मेरा मम्मी और मेरा कोई कनेक्शन नहीं होता, मुझे पता नहीं था कि मेरी मम्मी कैसी होगी। और एक रात मुझे कॉल आती है, 2010 की बात है, ये मेरे गवाही का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ। और वो टाइम तक मैं प्रभु को एज अ सेवियर एक्सेप्ट किया था और स्लोली प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आपने मुझे यहाँ पर मुझे एक अच्छा चीज़ दिया। ऐसे नहीं कि चीज़ दिया इसलिए प्रेज करो, नहीं, मेरे को परमेश्वर ने ज़िंदा रखा, मेरी जो बीमारी थी सब चली गई थी। तो एक रात को सुबह 4 बजे कॉल आता है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, और मैं पूछा कि क्यों जाना है, तो बोले नहीं नहीं तुमको हॉस्पिटल जाना है। और मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, नायर हॉस्पिटल है बॉम्बे में, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, तो मैं जैसे ही एंट्री करता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरी माँ एक बेड पर लेटी हुई है और बहुत सारी सलाइन चढ़ाई हुई है, और मेरी मम्मी का काफ़ी ब्लीडिंग हो गया था उनको, मतलब बहुत, मतलब लाइफ के वो आखिरी स्टेज में थे। और मैं देख के, और मेरी मम्मी से मैं बहुत प्यार करता ऑनेस्टली, मैं क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने देखा है,
और वो चीज मेरे से देखा नहीं गया कि मेरी मम्मी, और मैं रो पड़ा। और मेरा एक था कि मैं, मुझे मम्मी के सामने नहीं रोना है, क्योंकि मैं रोएगा तो मम्मी फिर ये हो जाएगी। तो मैं, मुझे अभी भी याद है, मैं जाता हूँ, उनका हाथ पकड़ता हूँ और उनके सामने बैठता और एक ही प्रे करता हूँ। मुझे पता नहीं वो सही प्रेयर था या गलत प्रेयर था। मैंने बोला, प्रभु अगर आपकी इच्छा है ना मेरी मम्मी को जिंदा रखना, नहीं तो अभी का अभी उठा लो, क्योंकि मैं नहीं देख सकता मेरी मम्मी को। आप जब किसी को प्यार करते हो आप तकलीफ में नहीं देखना चाहते उनको। तो यही मेरी प्रेयर थी कि प्रभु या तो उठा ले या तो चंगा कर दे। 2010 की बातें मेरे को याद है, डॉक्टर ने मेरे से साइन लिया था कि तेरी मम्मी एक महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी, एक महीने से ज़्यादा। उसकी बाद ही मैं जाके प्रेयर किया, क्योंकि मेरा विश्वास था कि कुछ तो होगा। आज 2023 है, मैं रोज सुबह उठ के मेरी मम्मी के साथ चाय पीता हूँ। आज और उसी दौरान परमेश्वर ने मुझे चुना कि तो मुझे इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे कुछ तो करना है आपके लिए। मेरे को ना ऐसा खाली बैठना है, एक तो पढ़ाई में मैं पहले से डम हूँ, मुझे कुछ तो करना है आपके लिए। तो परमेश्वर ने मुझे एज अ म्यूजिकली मुझे एक गुण दिया कि मैं ड्रम बजा सकूं। 2010 में मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था। मेरे को परमेश्वर ने, मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था वो टाइम पे, कोई अभी भी नहीं है, बट अभी बन गया है सब। बट परमेश्वर ने मुझे चुना एज अ ड्रमर और मेरे को 3 साल परमेश्वर ने दुनिया घुमाई है। आप सोच सकते मैं कहाँ बॉटल चुनता था या कुछ भी जो प्लेट धोता था। परमेश्वर का इच्छा था कि उनका काम मेरे द्वारा हो और मेरी गवाही में आप लोग को बता सकूं। आज पूरे 18 साल के बाद मैं, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी बहन एक छत के नीचे रहते हैं। मेरी बहन नर्स है, मैं एक अभी एक परमेश्वर की दया से मैं काफ़ी वर्शिप लीडर्स लोग के साथ मैं ड्रम बजाता हूँ। वो मेरे को, मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना। जैसे कि मार्क भाई को मैं 2016 से जानता हूँ, जब से हमारा पहचान हुआ, जब से छूटा नहीं हमारा, और उनसे मैं बहुत सीखता हूँ, एक मेरे बड़े भाई जैसे। और परमेश्वर ने पूरी दुनिया घुमाई मुझे, क्योंकि मेरा, मुझे जब मैं ड्रम सीख रहा था मेरा एक ही इच्छा था कि परमेश्वर मुझे ना ये गिफ्ट आपके लिए यूज़ करना है, क्योंकि आपने मेरी मम्मी को बचाया है, मेरी बहन आज सेफ है, मैं आज चंगा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे सारे बीमारी से दूर रखा है, क्योंकि मेरा एक ही स्मॉल प्रेयर था कि परमेश्वर जो भी करेगा तू सही करेगा। और आज परमेश्वर की दया से मैं एक टीचर हूँ, एक स्कूल में काम करता हूँ, एक NGO में मैं सिखाता हूँ ड्रम्स, छोटे बच्चों को सिखाता हूँ, और साथ ही साथ ऐसा वर्शिप लीडर्स जितने भी आप सुनते हैं उन सभी के साथ परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है। मैं उनके लिए बजाता हूँ और आज आप लोग के बीच में आके ये मेरा, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया मेरी गवाही बताने के लिए। अगर मैं गवाही पूरी बताता तो शायद 6 बज जाते या 3-4 बज ही जाते, क्योंकि मेरी काफ़ी लंबी गवाही है, तो मुझे शॉर्ट में बताना था। बट आशा करता हूँ आप लोग को आशीष मिली और धन्यवाद।